2022 फरवरी के मंथ में बैन हो जाता है करीना फ्री फायर। लिस्ट में भैया बहुत सारी तरह तरह के ऐप्स हैं जहां पर दोस्तों इनफैक्ट काफी पॉपुलर करीना फ्री फायर भी है। मतलब अगर आप इसको सर्च करते हैं फिलहाल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे आपको दोस्तों ये ऐप नहीं मिलने वाली है। Used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know. गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था ड्यू टू सम प्राइवेसी, लेकिन उनमें से एक था हमारा फ्री फायर। लेकिन पूरे एक डेढ़ साल के बाद फ्री फायर वापस आ चुका है, लेकिन अब उसका नाम फ्री फायर नहीं फ्री फायर इंडिया हो गया है। हालांकि ये गेम 5 सितंबर को प्ले स्टोर पर आ जाना चाहिए था, लेकिन इतने ज्यादा भाई प्री रजिस्टर हो गए कि सर्वर ही क्रैश हो गया। और मुझे उम्मीद है कि भाई आने वाले 10 दिन के अंदर ये गेम हमें प्ले स्टोर पर देखने को मिलने वाला है। नेम चेंज के साथ साथ इसमें काफी सारी चीजें नई एड हुई है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी 5 चीजें जो कि आज मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें से पहली और 5वीं चीज भाई सुन के आप बहुत खुश होने वाले हो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सबसे बड़ी चीज जो फ्री फायर इंडिया में ऐड हुई है वो है MS धोनी सर के साथ कोलैबोरेशन। हाँ आपने सही सुना, MS धोनी सर के साथ कोलैबोरेशन। और इस गेम के अंदर हमें खुद MS धोनी सर का एक करेक्टर देखने को मिलने वाला है जो कि है थाला। थाला उस कैरेक्टर का नाम है और भाई साहब उस कैरेक्टर के पास काफ़ी सही सही एबिलिटीज होने वाली हैं, और साथ ही में उस कैरेक्टर के पास एक इमोट होने वाला है जो कि है MS धोनी सर का हेलीकॉप्टर शॉट। भाई साहब इमेजिन करके देखो, आप लॉबी में खड़े हो वो भी थाला कैरेक्टर के साथ और हेलीकॉप्टर शॉट MS धोनी सर का वो इमोट मार रहे हो, मतलब यार क्रेजी यार। MS धोनी सर के साथ कोलैबोरेशन करके फ्री फायर इंडिया भाई काफी सारे पैसे भी कमाने वाला है और डाउनलोड्स भी कमाने वाला है। तो चलो आप सेकंड चेंज की बात करते हैं जो कि है टाइम लिमिट। तो जैसे ही फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा, जब आप उसको डाउनलोड करोगे उसमें सबसे पहले यही पूछेगा वो आपसे बिलो 18 और अबव 18। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो एज है उस अकॉर्डिंग आप दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना। मान लो आप अगर गूगल आईडी से लॉगिन करते हो और गूगल आईडी में आपकी कुछ और एज है और यहाँ पे आपने कोई और सा ऑप्शन चूज कर लिया तो फिर आगे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फ्री फायर इंडिया थोड़ा रूल्स में स्ट्रिक्ट है। हाँ तो हम बात कर रहे थे टाइम लिमिट की। तो जब आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चूज कर लोगे, मान लो आप 18 से ज्यादा आपकी एज है, तो आप भाई एक दिन के अंदर 6 घंटे गेम खेल पाओगे, और अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप 3 घंटे खेल पाओगे एक दिन के अंदर। चल हाँ आपके पास अगर बहुत सारी आईडीज है, मतलब 3-4 आईडी है, तो आप आईडी बदल बदल के ज़्यादा भी खेल सकते हो, वरना तो आप एक दिन के अंदर 6 और 3 घंटे ही खेल पाओगे आपकी एज के अकॉर्डिंग। तो चलो आप थर्ड चेंज की बात करते हैं। भाई थर्ड वाला चेंज काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है जो कि है मैप के बारे में। तो अगर आप फ्री फायर के सच्चे वाले फैन हो तो आपने ये पेज कहीं ना कहीं पर तो देखा होगा, और भाई साहब शायद इंडिया का मैप इसमें आने वाला है। लाइक हो सकता है भाई इसके अंदर दिल्ली मुंबई चेन्नई ऐसी ऐसी सिटीज़ ऐड हो जाएँ, और ये हो गया तो वास्तव में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ ये तो पक्का है इंडिया का मैप है इसमें है, लेकिन ये सिटीज़ भाई आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। लेट्स सी, वेट करते हैं भाई, वो तो गेम आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो आप फोर्थ चेंज की बात करते हैं। भाई फोर्थ चेंज है टॉप अप से रिलेटेड। तो अगर आप मिडिल क्लास इंसान हो तो आपको इस वाले चेंज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये चेंज है कि आप एक दिन में 6000 रुपए से ज्यादा टॉप अप नहीं कर सकते, जो कि ऑब्वियसली मिडिल क्लास इंसान तो नहीं करेगा, लेकिन जो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है भाई जिनको बंडल खरीदने होते हैं वो तो कर देते हैं। ये चेंज लाना काफी जरूरी था, क्योंकि जब हमारे पास फ्री फायर था भाई, जब रिपोर्ट आई थी कि भाई बंदे अपने पेरेंट्स के अकाउंट में से टॉप अप कर रहे हैं भाई हजारों में, तो हाँ ये चेंज बहुत जरूरी था जो कि फ्री फायर ने किया, नहीं नहीं फ्री फायर इंडिया ने किया। लेकिन इसके वजह से भाई यूट्यूबर्स को दिक्कत आने वाली जिनका कंटेंट भाई बंडल वगैरह खरीद के निकलता था। तो चलो आप फिफ्थ चेंज की बात करते हैं। अगर आप टूर्नामेंट खेलने में इंटरेस्ट रखते हो तो ये चीज सुन के आपको बहुत खुशी होगी कि फ्री फायर इंडिया ई स्पोर्ट्स में भी आ गया। अगर आप इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे फ्री फायर इंडिया ई स्पोर्ट्स, तो अभी नया अकाउंट ओपन हुआ है जो कि 1 सितंबर को ही हुआ है। हाँ पहले गेम आ जाए और इसका फर्स्ट मैच जो कि होने वाला है यूपी में, भाई धीरे धीरे करके यूपी दिल्ली मुंबई सब जगह हो। हाँ ये अपडेट सुन के आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। हाँ और भी फ्री फायर से जो जो अपडेट्स आएंगे मस्त मस्त वो मैं इसी चैनल पर डालूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी पे वीडियोस आएंगी आगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।